भारत ने हाल ही में चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का असर दुनिया भर में दिखाई दे सकता है। कारोबारियों का मानना है कि चावल के निर्यात पर प्रतिबंध से दुनिया भर में इसके भाव में तेजी दिख सकती है, जो पिछले 10 वर्षों से लगभग स्थिर थी। भारत ने यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया जब दुनिया भर में चावल का वैश्विक उत्पादन गिरा है और वैश्विक स्तर पर मांग भी बढ़ी है। दुनिया में चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और गैर बासमती चावल पर 20% का एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। इसके चलते चावल की वैश्विक कीमतें 10% से अधिक उछल चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल प्राइस इंडेक्स 2.2% बढ़ा और 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। माना जा रहा है कि वैश्विक मार्केट में चावल की कीमतें अभी और ऊपर जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड और वियतनाम जैसे चावल के बड़े निर्यातक देशों में भी चावल का स्टॉक नहीं है, जो भारत के निर्यात पर प्रतिबंध के चलते कमी की भरपाई कर सके। 3 वैश्विक ट्रेडर्स का मानना है कि चावल का वैश्विक स्टॉक फिसलकर 2023 में 5 साल के न्यूनतम स्तर पर फिसल सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग के 2022-23 में चावल की वैश्विक पैदावार 50.8 करोड़ टन हो सकती है, जो 4 साल में सबसे कम है। वहीं भारत की बात करें तो सितंबर में कृषि मंत्रालय में इस सत्र में 10.5 करोड़ टन चावल की पैदावार का अनुमान लगाया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 6% कम है। बारिश की बुरी स्थिति के चलते भारत में धान की खेती प्रभावित हो चुकी है और इसके चलते सितंबर में सरकार को चावल के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी बुरा हाल है। पाकिस्तान में बाढ़ के चलते धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। उधर बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे चावल के अहम खरीदार देशों में चावल की खपत में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि चावल के उत्पादन के मुकाबले इस बार मांग अधिक रहेगी और इससे भावों में तेजी बनी रहेगी। ये एशिया और अफ्रीकी देशों के लिए सबसे बुरी स्थिति साबित हो सकती है, क्योंकि चावल प्रमुख आहार के रूप में वहां पर देखा जाता है और वो अपनी जरूरत का 60% आयात करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।